हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्राडे गाइड शिवाज भसीन पे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि मंडे को जो मैंने आपको स्टॉक्स दिए थे, उन स्टॉक्स में हमने देखा था कि मार्केट जिस टाइम में ओपनिंग हुई थी, मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिरी हुई थी। हमने देखा था जो नेगेटिव फैक्टर्स थे, हमने देखा था जो डॉलर था वो कितना गिर गया था, उसकी वजह से हमने जो देखा था, और बहुत से फैक्टर्स थे गाइस। अब हमने देखा था कि जब मार्केट हल्की स्टेबल होने की कोशिश करी, तो उसके बाद हमने देखा जो मेरे स्टॉक्स थे वो भी रिकवर होने की उन्होंने कोशिश करी, और कुछ स्टॉक्स थे जिनके टारगेट ऑलमोस्ट हिट हुए थे। सो गाइस, अब मैं आपको जो स्टॉक्स दे रहा हूँ वो मैं दे रहा हूँ आपको ट्यूजडे के लिए, और मैंने आपको सैटरडे में जो निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें आपको बताया था गाइस कि अगर वो इस लेवल के ऊपर नहीं निकलती, जो मैंने आपको लेवल बताए थे निफ्टी बैंक निफ्टी के, अगर आपने अभी तक निफ्टी बैंक निफ्टी की वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख ही लीजिए। अभी भी आप पता लगा लेंगे कि कल मार्केट और निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरीके से काम करेगी और कहाँ तक गिर सकती है या कहाँ तक बढ़ सकती है। मैंने आपको बताया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी यहाँ से भी गिर सकती है, मैं आपको बाय स्टॉक्स दे रहा हूँ, पर गाइस अगर आपको इसमें ट्रेड करने में तकलीफ होती है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर मैं आपको इसकी नॉलेज प्रोवाइड करा दूंगा इन स्टॉक्स की, और साइड बाय साइड आपको एक दो लाइव इंट्राडे कॉल्स भी प्रोवाइड हो जाया करेंगी। तो जिस उन लोगों ने मेरे साथ फॉलो करा था तो मैंने लोगों को प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आज भी दिए थे अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर, तो गाइज आप जाके देख सकते हैं और ज्वाइन हो सकते हैं। कल अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी समझ नहीं है किस तरीके से वर्क करेगा टेक्निकल एनालिसिस चार्ट्स देखे, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं उसे, और आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी। ये पांच स्टॉक्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे जो ट्यूसडे को यानी कि कल हमें प्रॉफिटेबल ट्रेड देकर जा सकती है। नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ट्रेड डीलर्स करके मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप अगर आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च करेंगे अपने ट्रेड डीलर्स करके तो आप पता लगा लेंगे, और वहाँ पर आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं गाइस। टीवीएस मोटर्स बाय करने की सलाह दी जाएगी, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना के इसने एक ब्रेकआउट दिया है 381 के ऊपर, हमने देखा है इसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली है, तो 375 का इसका स्टॉप लॉस लगाना है, 386, 391 का हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं टीवीएस मोटर के अंदर। लार्सन एंड ट्यूबो अपने सपोर्ट से उछला है, उसका जो सपोर्ट है अराउंड हम देख सकते हैं कि 1330 के आसपास है, तो वहां से ये उछला है। सो गाइस 1345 की इसकी क्लोजिंग है, 1353, 1360 तक के इसकी जाने की हम देख सकते हैं क्या कैपेसिटी है, 1337 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा लार्सन एंड ट्यूबो के अंदर। अमर राजा बैटरीज, हमने देखा था अमर राजा बैटरीज ने आज आउट परफॉर्म नहीं कर, हमने देखा अमर राजा बैटरीज थोड़ा बहुत गिर गया था, पर गाइस जिस लेवल से इसने ब्रेकआउट दिया था गाइस उसी लेवल पे ये दोबारा आया और वहां पर इसने सस्टेन करा। सो गाइस 644 इसका करंट लेवल है, 636 के स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस के साथ आप ये स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 649, 656 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं अमर राजा बैटरी के अंदर। NBCC शॉर्ट करने की सलाह दी जाएगी, काउंटर बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, मुझे लगता है कि 36 तक के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर 36 के लेवल को भी ये ब्रेक करती है तो इसने एक पर्टिकुलर रिवर्स पैटर्न को भी ब्रेक कर दिया जहाँ से हम एक बुलिश साइन देख सकते थे, और ये एक अच्छा खासा नेगेटिव टेरिटरी में चले जाएगा। सो अभी कल या परसों के लिए 37 to 36.4 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपको क्लोजिंग बेसिस के अंदर 40.2 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा। टाटा स्टील 401 के ऊपर अगर ये निकलता है तभी आपको इसे बाय करना है, और अगर ये इसके ऊपर नहीं निकल पाता तो गाइज ये एक शॉर्ट कैंडिडेट भी बन सकता है। 405 का टारगेट, 411 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 395 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके काम करना पड़ेगा, करंट लेवल जो है वो 399 है। ये पांच स्टॉक्स मैंने आपको कल ट्यूसडे के मार्केट के लिए दे दिए हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए आप जाके देख सकते हैं, बैंक निफ्टी की भी मैंने एक स्ट्रैटेजी दे रखी है, आप जाके मेरे अगर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होंगे तो आपको मिल जाएगी, ऑप्शन कॉल भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, कैश कॉल्स भी आपको उसमें लाइव ट्रेड में एक दो प्रोवाइड हो जाते हैं। गाइस ट्रायल बेसिस पे चल रहा है, आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने अपने ऑफर्स डाल रखे हैं, अगर आप जाके देखेंगे तो आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड लेकर आज ज़रूर निकले होते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, और जो गाइस एक बात मैं आपको एक और बताना चाहूँगा, मैं रिसर्च रिपोर्ट्स बना रहा हूँ गाइस investing.com, investing.in आपको वेबसाइट पता होगी, बहुत फेमस वेबसाइट है investing.in, वहाँ पर मेरी रिसर्च रिपोर्ट्स भी आती हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट के सेक्शन पर जाके स्टॉक्स में जाएंगे और वहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सर्च करेंगे तो गाइज वहाँ पर आपको मेरी रिपोर्ट्स दिख जाएंगी, शिवांश भसीन के नाम से मैंने पर्टिकुलर स्टॉक्स की रिपोर्ट डाल रखी है, अगर आप को पढ़ना चाहते हैं वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं गाइज जाके।
और उसी के साथ साथ अब मैं आपके लिए एक खास चीज और लेकर आने वाला हूँ। और सबसे पहले आपने नाम सुना होगा वॉलमार्ट कंपनी के बारे में, जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। गाइज मैं एक खास चीज और लेकर आ रहा हूँ, पर वो फंडामेंटल है। उसमें क्या है, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि गाइज फॉर एग्जाम्पल कि रिलायंस का शेयर है, वो रिलायंस का शेयर चल रहा है 1,000 रुपये में। सो गाइज एक हम पूरी कंपनी की और उस कंपनी से रिलेटेड जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, एग्जैक्ट बिजनेस के अंदर है, एग्जैक्ट ज्योग्राफी के अंदर है, यानी कि जहाँ पर रिलायंस के अंदर, जहाँ जहाँ रिलायंस जिस जिस कंट्री में ट्रेड करती है, ट्रेड इन द सेंस जिस जिस जहाँ पर बिजनेस है और जिस सेक्टर में ट्रेड करती है, एग्जैक्ट उसी सेक्टर और कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिटर्स उसके सेलेक्ट करके हम एक रिसर्च रिपोर्ट बनाएंगे कि फाइनली रिलायंस जो 1,000 रुपये में शेयर ट्रेड कर रहा है वो उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। हम रिलायंस की पूरी बिजनेस को, यानी कि A to Z बिजनेस को स्टडी करेंगे, उसके बाद हम उसके कॉम्पिटिटर्स के साथ उसको कंपेयर करेंगे और फिर एक एक्चुअल फेयर वैल्यू निकालेंगे कि रिलायंस एक्चुअल वैल्यू क्या है। अगर रिलायंस की एक्चुअल वैल्यू है 1,200 रुपये और चल रहा है 1,000 रुपये, तो यानी कि वो अंडर वैल्यूड है, फेयर प्राइस है, अभी आप बाय करके चल सकते हैं, लॉन्ग टर्म टारगेट उसका 1,200 बन सकता है। या फिर अगर हम पूरी स्टडी करके एक उसकी इंटरप्राइज वैल्यू निकाल के अगर हम देखें कि वो 900 रुपये आ रहा है, तो यानी कि वो ओवर वैल्यू ट्रेड कर रहा है, आप रिलायंस को शॉर्ट कर सकते हैं। पूरी की पूरी रिसर्च रिपोर्ट आपके साथ शेयर करी जाएगी, वो investing.com पे शेयर करी जाएगी। मैं कल या परसों में वॉलमार्ट की सबसे पहले शेयर कर रहा हूँ। वॉलमार्ट अभी $109 पे चल रहा है और मैंने जिसकी उसकी जो रिसर्च रिपोर्ट बनाई है, जो फंडामेंटल तरीके से उस कंपनी की पूरी स्टडी करी है, उसके साथ उसके कॉम्पिटिटर्स की जो स्टडी करी है, उसके साथ मैंने निकाला है कि जो रिलायंस जो वॉलमार्ट है उसकी फेयर वैल्यू जो निकल के आ रही है वो $136 से लेकर $140 के बीच में है। यानी कि अभी इसको मैं बाय करने की रिकमेंड दे सकता हूँ वॉलमार्ट को, क्योंकि वो एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है और अभी हम बाय करके देख सकते हैं। गाइस इस जो मैं आपको पूरा मॉडल बना के दूंगा रिसर्च रिपोर्ट पे, जो investing.com पे मैं शेयर करूंगा उनके साथ, गाइस वो मॉडल कम कह रहा जाता है रिलेटिविटी मॉडल, ये गाइस कंपेयर मॉडल कहलाया जाता है। सो गाइस ऐसे बहुत से मॉडल बनते हैं, कम से कम हम एक चार पांच मॉडल बनाते हैं और चार पांच मॉडल बनाने के बाद हम एक उन पांच मॉडल का एक फुटबॉल एनालिसिस करते हैं, यानी कि उन पांचों को एक जगह रखते हैं और एक फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा में एक एनालिसिस बनाते हैं और एक एग्जैक्ट हम रिकमेंड दे देते हैं, जो आपको बड़े बड़े जो आप समझ सकते होंगे, आपको UBS देते होंगे, मॉर्गन स्टैनली देते होंगे, आपके पास सिटी बैंक से जो रिकमेंडेशंस आती हैं, आप टीवी में सुबह देखते होंगे कि इन लोगों ने बाय रिकमेंड दिया इस पेपर्स में। ये गाइस ये पूरी नॉलेज अब आपके साथ मैं investing.com पे शेयर करूंगा, सारी नॉलेज आपको प्रोवाइड होगी, आप जाके देखेंगे तो आप बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और लॉन्ग टर्म पे आपको बहुत ज़्यादा ये बेनिफिट करके देगा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप करना चाहूँगा गाइस। अगर आपको मेरी ये सारी थ्योरीज पसंद आती है तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, सब चीज़ें आपके साथ शेयर करी जाएंगी, सारी नॉलेज आपके साथ प्रोवाइड करी जाएंगी। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ये सारी चीज़ें आपको चाहिए और आपको ये जो मैं आपके साथ एनालिसिस शेयर करता हूँ आपको कैसा लगा है गाइस। मैं जो भी मेरे साथ ये वीडियोस देख रहे होंगे, थम्स अप करने के बाद गाइस, लाइक देने के बाद कमेंट सेक्शन में एक बार चले जाइएगा और मुझे मोटिवेशन दीजिएगा कि मैं ऐसी आपके लिए नई नई चीज़ें बनाते रहूँ और आप मार्केट में बस मेरे चैनल के अलावा कहीं और आपको जाने की ज़रूरत ना पड़े, आपको कहीं पर भी डाटा ढूंढने की यूट्यूब पर ज़रूरत ना पड़े, सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मैं आपके साथ शेयर करते रहूँ। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए गाइस, और मैं आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल चीज़ें लेकर आते रहूँगा। गुड बाय।